हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंस कंपटीशन क्लासेस। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि सिविल कोर्ट क्लर्क का वैकेंसी आ गया है, साथ ही साथ इसके साथ जो है स्टेनोग्राफर का आया है, रीडर का, और साथ ही साथ प्यून का भी वैकेंसी आ गया है। लेकिन आज के वीडियो में मैं सिर्फ क्लर्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, एज कितना होना चाहिए, टोटल पोस्ट कितना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो आएगा जहां पर मैं आप लोगों को स्टेनोग्राफर के बारे में बताऊंगा, फिर रीडर के बारे में और प्यून के बारे में। तो आप जब तक जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल्स नहीं जान जाते हैं तो अप्लाई करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। आप सिंसियर यदि नहीं है इस मामले में तो फिर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने जो है ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। सारी कन्फ्यूजन, यानी चूंकि ऑनलाइन अप्लाई आपको 20 से करना है, इसके पहले सारे कन्फ्यूजन को दूर कर लेना है ताकि आप ये फॉर्म भर करके बिल्कुल पछताइएगा नहीं और अंतिम तक आप इसमें फाइनली सेलेक्ट हो पाइएगा और सेवा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यह है ऑफिस ऑफ द कन्वेनर सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमिटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना, यानी कि यही संस्था है जिसके द्वारा ये वैकेंसीज निकाली जाती है, सिविल कोर्ट क्लर्क वैकेंसी। और एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2022 है फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। और हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ये पोस्ट क्लर्क का है, यानी कि पोस्ट ऑफ क्लर्क का है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट टू एग्जिस्टिंग 3,325 वैकेंट पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन प्रोबेशन इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years इन द सिविल कोर्ट्स ऑफ बिहार इन द पे स्केल ऑफ लेवल 4 25,500 to 81,100+ यूजुअल अलाउंसेस इज एडवेरेबल अंडर द रूल्स इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज सब्जेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज। पहले इसको समझ लेते हैं कि यानी कि टोटल पोस्ट कितना है। सबसे पहले आप कंफर्म हो जाइए कि आप जिस पद के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें कुल 3,325 पोस्ट है। पहली बात, ये कौन सा पोस्ट है, ये क्लर्क का पोस्ट है। और नेक्स्ट देखिएगा इसका लेवल क्या है, ये लेवल आपका 4 है और इसका जो पे एंट्री लेवल होगा ये 25,500 होगा। और मैं आपको बता दूं, यदि आप ये लेवल 4 नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको इस तरह से समझिए कि ये जो पोस्ट होगा ये ग्रेड पे 2400 वाला होगा, यानी जीपी कितना होगा। ये आप निश्चित रूप से, बहुत सारे लोग लेवल नहीं समझ पा रहे हैं तो लेवल के लिए आपको ये बात समझनी होगी कि ये लेवल 4 में क्या आता है। ये ग्रेड पे 2400 होता है, ग्रेड पे कितना होता है 2400। तो आप जो अप्लाई करने जा रहे हैं कलर का, यदि आप वर्तमान समय में 2400 ग्रेड पे को होल्ड कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आप सिविल कोर्ट में कलर के रूप में देना चाहते हैं योगदान तो फिर आप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर आपको एनओसी लेना पड़ेगा, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो चलिए, आप ये लेवल 4 समझ गए कि यानी कि ग्रेड पे कितना 20,200 और ग्रेड पे कितना, ग्रेड पे 2400 होगा दोस्तों। क्लियर हो गया ये बात। उसके बाद देखिएगा ये स्टार्ट कब से हो रहा है, तो स्टार्ट ओपनिंग डेट ऑफ फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में आप इसको देख पा रहे हैं, ये 20/9 से स्टार्ट होने जा रहा है। और लास्ट डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, लास्ट डेट आपका 20/10/2022 को, यानी 12 बजे रात तक है। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन को लेकर के थोड़ा सा संदिग्ध चल रहा था कि क्लर्क है तो फिर ये इंटर लेवल का होगा, लेकिन देखिएगा क्वालिफिकेशन आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा दोस्तों, ये बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट, यानी कि देखिएगा आप या तो बीए बीएससी बीकॉम किए हों या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री को प्राप्त किए हों। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया तो होता ही है और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज इसेंशियल, यानी कि कंप्यूटर का जानकारी आवश्यक है। सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, ये कन्फर्म आप हो जाइए, सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज होना अति आवश्यक है। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट, आपको शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट होना होगा।
मेडिकली फिट होना होगा। कैंडिडेट मस्ट बी गुड मॉरल कैरेक्टर, आपको कैरेक्टर के मामले में भी आपको अच्छा होना होगा। ये भी एक ये तो सारा होता ही है, आप इस जानते ही हैं। उसके बाद देखिएगा, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप अ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। और जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसका क्या होता है कि प्रिंट आउट आप अपने पास जरूर रखे रहिएगा। द सेम अलोंग विद ऑल द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल अदर सर्टिफिकेट्स ऑफ द कैंडिडेट शैल बी रिक्यूशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी कि देखिएगा कि ये सभी के सभी सर्टिफिकेट, आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है आप अपने पास हमेशा रखे रहिएगा। जब इंटरव्यू का समय होगा, इंटरव्यू के समय ये सभी के सभी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट द डिक्लेरेशन मेंशन बिलो इन देयर ओन हैंड राइटिंग इन द ब्लैक इंक ऑन ए वाइट शीट ऑफ पेपर। गेट इट स्कैंड एंड सेव इन ए डॉक्यूमेंट्री फाइल फॉर द पर्पस ऑफ अपलोडिंग द सेम व्हाइल सबमिटिंग द फॉर्म ऑनलाइन। यानी कि यहाँ पर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अपने राइटिंग में जो है ब्लैक इंक से आपको एक वाइट शीट पर कुछ डिक्लेरेशन भरना होगा, आप उसे भर करके जो है आप सबमिट कीजिएगा। ये आपका रहा, जैसे ये डिक्लेरेशन है कि आई हैव वाइल डिक्लेयर दैट द फैक्ट्स एंड डिटेल्स गिवन बाय मी इन द एप्लीकेशन आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव। आई अंडरस्टैंड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी ऑफ द पार्टिकुलर्स और इंफॉर्मेशन एबव बीइंग फाउंड फॉल्स और इनकरेक्ट एट एनी स्टेज माई कैंडिडेचर शैल बी लाइवली टू बी रिजेक्टेड। ये आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, ये आप हिंदी में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, फोटोग्राफ यानी कलर फोटोग्राफ जो है आपको सिग्नेचर के साथ ये आपको फॉर्म में डालना है, साथ ही साथ उसके बाद सबमिट कर देना और रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। और जहां तक एज की बात है, एक फैक्टर में थंबनेल में लिखा था कि एज अनडिजर्व्ड का जो होगा मिनिमम एज 21 साल होगा, मैक्सिमम 37 साल होगा। अनडिजर्व्ड फीमेल का जो मिनिमम 21 होगा और मैक्सिमम 40 होगा। और बैकवर्ड क्लास यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का जो होगा मेल का होगा कितना, 21 मिनिमम होगा, 40 मैक्सिमम होगा। और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का होगा 21 मिनिमम, मैक्सिमम होगा 42 साल। चलिए ये भी हो गया। रिजर्वेशन के लिए आपको परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार तो रहना ही पड़ेगा। जनरल कंडीशंस जो है, ये कुछ कंडीशंस है, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए आप इसको जनरल कंडीशन दिखेगा। कैंडिडेट्स इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्लेस्ड डिपोटेशन मस्ट टेक प्रियर एनओसी। देखिए मैं पहले ही बताया था कि आप यदि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको एनओसी लेना जरूरी है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद देखिएगा, अब ये सब बातें कोई खास नहीं है। अब यहाँ पर फी, एग्जामिनेशन फी कितना है। एग्जामिनेशन फी देखिएगा, जनरल बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस जितना भी होगा उसको 800 रुपया लगेगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैंडीकैप होगा इन सभी लोगों को 400 रुपया लगेगा। आप ये देख लिए। उसके बाद देखिएगा प्रोसीड्योर ऑफ सेलेक्शन, यानी कि प्रोसीड्योर सिलेक्शन कैसे होगा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ 3 स्टेज, प्रिलिमिनरी, रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू। यानी कि तीन स्टेज होगा परीक्षा का। पहला पीटी होगा, दूसरा मेंस होगा और तीसरा इंटरव्यू होगा। पीटी जो होगा वो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। द कमिटी में ऑर्गेनाइज प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर स्क्रीनिंग द कैंडिडेट्स। यानी कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। यानी अप्लाई जो होगा पोस्ट का उसके आधार पर जो है ये पीटी का टेस्ट होगा। कितने नंबर का होगा ये बाद में बता दिया जाएगा। उसके बाद रिटेन टेस्ट होगा। रिटेन टेस्ट में क्या होगा कि 90 मार्क्स का होगा और द रिटेन टेस्ट विल कंप्राइजेज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा, ये 90 नंबर का जो ये रिटेन टेस्ट है। और 10 नंबर का इंटरव्यू होगा, ये आप देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस ऑफ रिटेन टेस्ट, यानी कि द रिटेन टेस्ट सेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। यानी कि कौन कौन सा होगा इसका सिलेबस में, तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर ये 20 मार्क्स का होगा। हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर ये 20 मार्क्स का होगा। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स ये 15 मार्क्स का होगा। इन द सेक्शन इन दिस सेक्शन क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, एवरी
एवरीडे साइंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लीगल टर्मिनोलॉजी, ये सभी के सभी जीके से होगा। मैथमेटिक्स और मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड, ये 10 मार्क्स का। द टेस्ट विल कंप्राइज क्वेश्चन ऑन टॉपिक्स बोर्ड मार्क्स होगा, सिंपल कैलकुलेशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क कैलकुलेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बस मैथ का इतना ही होगा। उसके बाद टेस्ट ऑफ रीजनिंग वर्बल एंड एनालिटिकल, ये प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, सिलोजिस्म प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। तो ये आप देख सकते हैं, ये सिलेबस मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर साइंस, ये 15 मार्क्स होगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, फंडामेंटल कंप्यूटर, ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजीज, कंप्यूटर एब्रीविएशन, बेसिस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ये सभी के सभी आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल 40% इन द रिटेन एग्जामिनेशन, द कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स शैल बी डिसाइडेड बाय द कमिटी इन अकॉर्डिंग विद रिजर्वेशन पॉलिसी, एग्जिस्टिंग रूल्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। चलिए तो हो गया। उसके बाद कह रहा है कि द प्रिलिमिनरी एग्जाम शैल बी कंप्राइजेज ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द सिलेबस सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर रिटेन एग्जामिनेशन, यानी कि जो है यह मल्टीपल चॉइस होगा, पीटी और मेंस आपका रिटेन होगा। द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू मेन, यानी जो पीटी में पास कर जाइएगा वो मेन्स में बैठ पाने के योग्य हो जाइएगा। उसके बाद द मार्क्स ऑप्टेड इन द इंटरव्यू विल एडेड टू द मार्क्स ऑप्टेड इन द मेन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप मेन्स एग्जाम में ऑप्टेन कीजिएगा मार्क्स, और जो आप इंटरव्यू में कीजिएगा, दोनों को मिला करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। पीटी से कोई लेना देना नहीं है, चूंकि वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो ये था सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह सभी के सभी बातें आपका क्लियर हो गया। आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये फॉर्म फिलअप कीजिएगा, और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप निश्चित रूप से हमको कमेंट कीजिएगा, फिर आपके जो है कन्फ्यूजन को दूर करने का मैं भरसक प्रयास करूँगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। हाँ, एक बात और जान लीजिए कि जो आपका इसके बाद स्टेनोग्राफर का है, प्यून का है, और राइटर कम रीडर का पोस्ट जो है उसके उसे संबंधित भी सिलेबस और तमाम डिटेल्स में अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। पहली बार यदि आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।